हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ मेनी रूम्स हाई। द कुतुब मीनार इज 72 मीटर हाई। यहाँ पर आप कुतुब मीनार देख सकते हैं, वो कितना ऊंचा है, 72 मीटर। अब आपको क्वेश्चन पूछा गया है अबाउट हाउ मेनी मीटर हाई इज योर क्लासरूम। आपका क्लासरूम कितना ऊंचा है वो आपको बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है अबाउट हाउ मैनी मीटर्स हाई इज योर क्लासरूम, तो आपको आंसर में लिखना है द क्लासरूम इज अबाउट 3 मीटर हाई। क्लासरूम 3 मीटर जितना ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेस हाउ मैनी रूम्स वन ऑन टॉप ऑफ द अदर विल बी इक्वल टू द कुतुब मीनार। आपके क्लासरूम कितने कितने क्लासरूम एक दूसरे के ऊपर होंगे तब जाके कुतुब मीनार जितनी हाइट होगी, तो आपको आंसर में लिखना है। आपको पता है हाइट ऑफ द कुतुब मीनार इज इक्वल टू 72 मीटर। कुतुब मीनार की हाइट कितनी है, 72 मीटर। आपको फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ रूम वन ऑन टॉप ऑफ द अदर विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ द कुतुब मीनार। आपके क्लासरूम जितने कितने क्लासरूम होंगे जब तब जाके कुतुब मीनार जितनी हाइट होगी, तो क्या करना है फाइंड आउट करने के लिए हाइट ऑफ द कुतुब मीनार डिवाइडेड हाइट ऑफ द रूम। कुतुब मीनार की हाइट है उसके डिवाइडेड क्या करना है हाइट ऑफ रूम। तो हाइट ऑफ कुतुब मीनार कितनी है, 72 मीटर डिवाइडेड हाइट ऑफ द रूम। रूम की हाइट कितनी है, 3 मीटर। तो 72 डिवाइडेड 3 करेंगे तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, 24। यहाँ पर आप देख सकते हैं 72 डिवाइडेड 3 किया है तो 3 2 6, 7 - 6 करेंगे तो 1 बचेगा और 2 नीचे आएगा तो टोटल कितना हुआ, 12। अब 3 4 12, तो 12 - 12 0, तो आंसर में हमें क्या मिला, 24। तो आपके क्लासरूम जितने 24 क्लासरूम होंगे तब जाके कुतुब मीनार जितनी हाइट बनेगी। व्हाट इट। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रॉम गांधीनगर टू हिम्मतनगर। सुबोध इज गोइंग टू गांधीनगर विच इज 21 किलोमीटर अवे। जहाँ पर आपको दिखाया गया ये सुबोध है वो गांधीनगर जाता है और डिस्टेंस कितना है, 21 किलोमीटर। यहाँ पर दिखाया गया है गांधीनगर इस साइड जाना है और डिस्टेंस कितना है, 21 किलोमीटर। मंजरी इज गोइंग टू हिम्मतनगर विच इज 43 किलोमीटर अवे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर बता गया है ये मंजरी है, मंजरी कहाँ पर जाती है, हिम्मतनगर। तो हिम्मतनगर किस साइड है, इस साइड, कितना डिस्टेंस है, 43 किलोमीटर। और वोनो की इस साइड गांधीनगर है और इस साइड हिम्मतनगर, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अलग अलग है, ऑपोजिट है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ फार इज गांधीनगर फ्रॉम हिम्मतनगर। तो गांधीनगर से हिम्मतनगर के बीच का डिस्टेंस कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम आंसर में लिखेंगे क्लियरली द डिस्टेंस ऑफ गांधीनगर फ्रॉम हिम्मतनगर। गांधीनगर और हिम्मतनगर बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, अभी आपको पता है मंजरी और सुबोध दोनों एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं चलना, सुबोध को किस साइड जाना है, इस साइड। तो सुबोध यहाँ से 21 किलोमीटर यहाँ पर गांधीनगर आएगा, मंजरी कौन से डायरेक्शन में जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में, मंजरी इस साइड जाएगी हिम्मतनगर। और हिम्मतनगर कब आएगा, 43 किलोमीटर होगा तब हिम्मतनगर आएगा। बड़ी तो यहाँ से हिम्मतनगर का कितना किलोमीटर हुआ, 43 किलोमीटर, और यहाँ से गांधीनगर का कितना किलोमीटर हुआ, 21 किलोमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, गांधीनगर से हिम्मतनगर के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है वो। तो क्या करेंगे हम, 21 किलोमीटर प्लस 43 किलोमीटर, उन दोनों का प्लस करेंगे तो हमें पूरा डिस्टेंस मिल जाएगा गांधीनगर से हिम्मतनगर का। 21 प्लस 43 इज इक्वल टू 64 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 64 किलोमीटर। बड़े नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ फार इज योर होम फ्रॉम स्कूल। यहाँ पर लिखा है महेश कम टू स्कूल वेयर फ्रॉम वेरी फार।
यहाँ पर महेश की स्कूल दिखाई गई है और यहाँ पर महेश का होम है। महेश बहुत दूर से स्कूल आता है। ही फर्स्ट वॉक अबाउट 400 मीटर टू द पॉन्ड। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो उससे घर से ये पॉन्ड का बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर बताया गया है 400 मीटर। विथ स्लीपर इन हीज हैंड ही देन वॉक 150 मीटर थ्रूआउट अ पॉन्ड। बीच में पॉन्ड आती है तो वो क्या करता है, हाथ में स्लीपर लेकर 150 मीटर का जो पॉन्ड है उसको क्रॉस करता है। नेक्स्ट ही रन अक्रॉस 350 मीटर वाइड ग्रीन फील्ड। अब जब पॉन्ड खत्म होती है तब जाके क्या आता है, ग्रीन फील्ड आती है खेत, उसमें कितना चलना पड़ता है उसको 350 मीटर्स। अभी वो 350 मीटर कंप्लीट करके यहाँ तक आता है। देन ही केयरफुली क्रॉस द 40 मीटर वाइड रोड टू रीच ही स्कूल। यहाँ पर आ गया, उसके बाद क्या है, बीच में रोड है तो वो 40 मीटर क्रॉस करके वो स्कूल जाता है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच डज महेश वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल। महेश को स्कूल जाने के लिए कितना चलना पड़ता है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, महेश का घर है। महेश से घर से पॉन्ड तक का डिस्टेंस कितना है, 400 मीटर। फिर पॉन्ड का डिस्टेंस कितना है, 150 मीटर। फिर पॉन्ड खत्म होती है तो क्या आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं घर से पॉन्ड का डिस्टेंस कितना है 400 मीटर, पॉन्ड का डिस्टेंस कितना है 150 मीटर। और फिर जब पॉन्ड खत्म होती है तो वहाँ पर क्या शुरू होता है, ग्रीन फील्ड। तो पॉन्ड से रोड तक का डिस्टेंस कितना है, 350 मीटर। अब जब यह ग्रीन फील्ड खत्म होती है तो तब जाके क्या आता है, रोड आता है। तो रोड का डिस्टेंस कितना है, 40 मीटर, तब जाके स्कूल आएगी। सो द डिस्टेंस बिटवीन होम टू स्कूल, होम से घर तक का डिस्टेंस कितना है, तो क्या होगा, पहले ये होम से पॉन्ड तक का 400 मीटर प्लस पॉन्ड का 150 मीटर प्लस पॉन्ड टू रोड कितना है 350 मीटर प्लस रोड का डिस्टेंस 40 मीटर, तब जाके स्कूल आएगी। तो टोटल क्या करना है, 350 प्लस 40 तो इज इक्वल टू क्या आएगा, 400 प्लस 150 प्लस 350 प्लस 40। तो हम इनका प्लस करेंगे तो आंसर में क्या मिलेगा हमें, 940 मीटर्स। तो महेश को घर से स्कूल तक जाने में कितना डिस्टेंस है उसका, 940 मीटर्स। बड़ी दूसरा क्वेश्चन है, इज इट मोर देन 1 किलोमीटर, क्या ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो आपको आंसर में लिखना है इट इज नॉट मोर देन 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। क्यों, यस 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, आपको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। और यहाँ पर तो कितने मीटर होते हैं, 940 मीटर, तो 1 किलोमीटर से कम है। राइट, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट विल बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।